दत्तीदादरी में खबरें अभी तक की खबर का असर देखने को मिला है। खबर में दिखाया गया था कि कैसे अस्पताल में ड्राइवर मरीजों की जांच कर रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच में दो दोषी पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट विभाग ने मुख्यालय को भेज दी है। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में सीएमओ के ड्राइवर द्वारा डॉक्टर बनकर मरीजों के खून के सैंपल लेने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइवर व एलटी को दोषी माना है। दोनों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेज दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों दादरी के सिविल अस्पताल में सीएमओ के ड्राइवर द्वारा जांच लैब में मरीजों के खून के सैंपल लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। खबरें अभी तक की ओर से मरीजों के साथ हुए खिलवाड़ का मामला प्रमुखता से दिखाने पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। एसएमओ डॉक्टर अनिता गुल्लिया ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आते हुए जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों को दोषी माना है। पूरे मामले की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए मुख्यालय को भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ स्वास्थ्य को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पे जो हॉस्पिटल की जो कंप्लेंट आई थी कि ड्राइवर ने मरीज का सैंपल लिया, उसकी हमने जांच कमेटी गठित करके और जांच रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की भेज दी थी, और उसमें जो है प्राइमा फेसी और जो मीडिया की खबरों थी उसके हिसाब से जो सिविल सर्जन कार्यालय का चालक राजकुमार और नागरिक अस्पताल चक्की दादरी में कार्यरत एलटी श्रीमती कृष्णा ने वो दोषी पाए गए थे, और जो आगामी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को हमने ऐसी घटना फिर से घटित ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।